श्री दरबार साहब नेड़े मुड़ होया धमाका। असीं मैं कह रहे ना वेरीफाई कर रहे हैं, सानू वेरीफाई करन थोड़ा टाइम दो, असीं कर लैने वेरीफाई, तुम दस्स। दो दिनों दे विच दूजी वार ब्लास्ट होण ते खड़े होए वड्डे सवाल। सारियां हैगियां जी, एंटी सैबोटेज भी हैगी, बम स्क्वाड भी हैगी, एफएसएल भी हैगी। पुलिस कमिश्नर समेत मौके ते पहुंचे उच्च अधिकारी। अमृतसर दे विच मुड़ धमाका होण दी खबर सामने आई है। दस दिए कि दो दिनों दे विच दूजी वार यह धमाका होया। श्री दरबार साहब नेड़े हैरिटेज स्ट्रीट जगह ते सवेरे 6 बजे ब्लास्ट होया। ते जदों ब्लास्ट होया लोगों की गिनती काफ़ी घट सी, जिस कारण कोई वड्डा नुकसान नहीं होया। दस दिए कि बीते कल भी श्री दरबार साहब नेड़े वड्डा धमाका होया सी, जिस तों बाद पुलिस मुताबिक कहा जा रहा है कि चिमनी फटन कारण यह धमाका होया अते कुछ श्रद्धालु जख्मी भी होए सी। तां दस दिए कि अज सवेरे 6 बजे फिर तो श्री दरबार साहब नेड़े ब्लास्ट हुंदा। ते दो दिनों दे विच दूजी वार ब्लास्ट होण ते वड्डे सवाल खड़े हो रहे ने कि क्यों यह सब किया जा रहा। अजे तक पिछले ब्लास्ट होण दी जांच पड़ताल की जा रही सी, उसके कारण नहीं सामने आए कि एने दे विच ही दूजी वार फिर तो ब्लास्ट हुंदा। दस दिए कि अमृतसर के पुलिस कमिश्नर नौ निहाल सिंह समेत अनेक उच्च अधिकारी मौके पर पहुँच गए। बंब स्क्वैड दीआं टीमां भी मौके पर पहुँच गई, जिन्हां दे वलों डूंघाई नाल जांच पड़ताल की जा रही है अते कारणां दा पता लगाया जा रहा है कि क्यों ये सब हो रहा है। सो जांच पड़ताल तो बाद ही कारण स्पष्ट हो सकते हैं। सारा माहौल ठीक है, सारा कुछ शांतिपूर्वक है, असं वेरीफाई कर रहे, सानू वेरीफाई करन दो, थोड़ा टाइम दो, फिर असं तुहानू ब्रीफ कर दो, ठीक है। असं मैं कह रहे ना वेरीफाई कर रहे हैं, सानू वेरीफाई करन थोड़ा टाइम दो, असं कर लैने वेरीफाई, तुहानू दस देंगे, ठीक है जी। मैं कह जी उही तो कह रहे हैं, वेरीफाई कर लैन दो, सारा तुहानू ब्रीफ कर दें, असं इत्थे ही हैगे, ठीक है जी। बाकी इत्थे माहौल ठीक है, सारियां हैगियां जी, एंटी सैबोटेज भी हैगी, बम स्क्वाड भी हैगी, एफएसएल भी हैगी। हाँ जी, किसी के पैर से थोड़ी खरोच आई है, बैंडेड हुई है, बाकी सारा ठीक है, किसी कोई सट नहीं लगी। A1 मीडिया लिए अमृतसर तो नरिंदर सेठी की खास रिपोर्ट। श्री दरबार साहब नेड़े मुड़ होया धमाका। असं मैं कह रहे ना वेरीफाई कर रहे हैं, सानू वेरीफाई करन थोड़ा टाइम दो, असं कर लैने वेरीफाई, तुम दस दो। दो दिनों दे विच दूजी वार ब्लास्ट होण ते खड़े होए वड्डे सवाल। सारियां हैगियां जी, एंटी सैबोटेज भी हैगी, बम स्क्वाड भी हैगी, एफएसएल भी हैगी। पुलिस कमिश्नर समेत मौके ते पहुंचे उच्च अधिकारी। अमृतसर दे विच मुड़ धमाका होण दी खबर सामने आई है। दस दिए कि दो दिनों दे विच दूजी वार यह धमाका होया। श्री दरबार साहब नेड़े हैरिटेज स्ट्रीट जगह ते सवेरे 6 बजे ब्लास्ट होया। ते जदों ब्लास्ट होया लोगों की गिनती काफ़ी घट सी, जिस कारण कोई वड्डा नुकसान नहीं होया। दस दिए कि बीते कल भी श्री दरबार साहब नेड़े वड्डा धमाका होया सी, जिस तों बाद पुलिस मुताबिक कहा जा रहा है कि चिमनी फटन कारण यह धमाका होया अते कुछ श्रद्धालु जख्मी भी होए सी। तां दस दिए कि अज सवेरे 6 बजे फिर तो श्री दरबार साहब नेड़े ब्लास्ट हुंदा। ते दो दिनों दे विच दूजी वार ब्लास्ट होण ते वड्डे सवाल खड़े हो रहे ने कि क्यों यह सब किया जा रहा। अजे तक पिछले ब्लास्ट होण दी जांच पड़ताल की जा रही सी, उसके कारण नहीं सामने आए कि एने दे विच ही दूजी वार फिर तो ब्लास्ट हुंदा। दस दिए कि अमृतसर के पुलिस कमिश्नर नौ निहाल सिंह समेत अनेक उच्च अधिकारी मौके पर पहुँच गए। बंब स्क्वैड दीआं टीमां भी मौके पर पहुँच गई, जिन्हां दे वलों डूंघाई नाल जांच पड़ताल की जा रही है अते कारणां दा पता लगाया जा रहा है कि क्यों ये सब हो रहा है। सो जांच पड़ताल तो बाद ही कारण स्पष्ट हो सकते ने। सारा माहौल ठीक है, सारा कुछ शांतिपूर्वक है, असीं वेरीफाई कर रहे, सानू वेरीफाई करन दो, थोड़ा टाइम दो, फिर असीं तुहानू ब्रीफ कर दो, ठीक है। असीं मैं कह रहे ना वेरीफाई कर रहे हैं, सानू वेरीफाई करन थोड़ा टाइम दो, असीं कर लैने वेरीफाई, तुहानू दस देंगे, ठीक है जी। मैं कह जी उही तो कह रहे हैं, वेरीफाई करन दो, सारा तुहानू ब्रीफ कर दें, असीं इत्थे ही हैगे, ठीक है जी। बाकी इत्थे माहौल ठीक है, सारियां हैगियां जी, एंटी सैबोटेज भी हैगी, बम स्क्वाड भी हैगी, एफएसएल भी हैगी। हाँ जी, किसी के पैर से थोड़ी खरोच आई है, बैंडेड हुई है, बाकी सारा ठीक है, किसी को कोई सट नहीं लगी। A1 मीडिया लिए अमृतसर तो नरिंदर सेठी की खास रिपोर्ट।